दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का बाउंडिंग राउटर, ये है माइंड मीडिया 5G बाउंडिंग राउटर। मान लो आप कहीं ऐसी जगह पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, कोई रैली कवर कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कवर कर रहे हो, जहां पर आपका इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये डिवाइस बहुत काम में आने वाली है। आप इसके अंदर अपने 3 5G सिम कार्ड लगाकर यूज कर सकते हो, तीनों सिम कार्ड के डेटा को ये कर देगा बॉन्ड और आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड मिल जाएगी। माइंड मीडिया का ये बाउंडिंग राउटर इस तरह के ब्रीफकेस के अंदर आपको मिलता है, यानी आप आराम से इसे लेके जा सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो। काफी मजबूत क्वालिटी का ब्रीफकेस यहां पर दिया गया है, तो फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। यहां पर काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म यहां पर दिया गया है, जिससे हमारी डिवाइस पूरी तरह से इसके अंदर सेफ रहेगी। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 1 साल की वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर एक इस तरह का माउंटिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इसे ट्राइपॉड के ऊपर या अपने कैमरे के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। मेटल का इस तरह का एक अटैचमेंट हमें देखने को मिल जाता है, और यह है इसका 12 वोल्ट 3 एम्पियर का पावर अडोप्टर, जिससे आप इस डिवाइस को पावर दे सकते हो। इस तरह का कनेक्टर दिया गया है, जिससे आप इसे डिवाइस पर आराम से कनेक्ट करके इस तरह से टाइट रख सकते हो। बहुत सारे एंटीना इसके साथ दिए गए हैं, इस तरह के 14 एंटीना इसके साथ दिए गए हैं। ये 14 एंटीना हम इस डिवाइस के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो यह है माइंड मीडिया 5G बाउंडिंग राउटर, इसका मॉडल नंबर है माइंड मीडिया C3। बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग यहां देखने को मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही जबरदस्त है, पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहां पर दी गई है। यहां पर एक डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। दोनों साइड में यहां पर एयर वेंट्स दिए गए हैं, इसके अलावा नीचे की साइड भी यहां पर भी आपको कुछ एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन यहां पर दिया गया है। डिवाइस में ऊपर की साइड यहां पर कुछ LED इंडिकेटर दिए गए हैं, सिस्टम W1 W2 M1 M2 M3 इस तरह के इंडिकेशन दिए गए हैं। डिवाइस के राइट हैंड साइड में यहां पर 3 एंटीना लगाने का ऑप्शन दिया गया है, इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके 3 एंटीना यहां पर लग जाएंगे। कनेक्टिविटी पोर्ट्स दिए गए हैं, इसके अलावा एंटीना के लिए यहां पर कुछ एंटीना के लिए पोर्ट दिए गए हैं, यहां पर आपके एंटीना लग जाएंगे। इसके अलावा पावर से कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक पावर पोर्ट दिया गया है, लेन पोर्ट यहां पर दिया गया है, एक वैन का पोर्ट दिया गया है, 3 लेन के पोर्ट यहां पर दिए गए हैं, एक USB 3.0 का पोर्ट यहां पर दिया गया है, 3 सिम कार्ड स्लॉट दी गई है जिनमें आप 5G सिम लगा सकते हो। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर हमें वाईफाई कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, और आप इसे लैन केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस के बैक साइड में यहां पर इसका मॉडल नंबर वगैरह सारी डिटेल दी गई। इसके अलावा यहां पर ट्राइपॉड पर माउंट करने का इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, जो माउंट इसके साथ आया, इस तरह का एक अटैचमेंट इसके साथ आया, उसे आप यहां पर इस तरह से लगा के इसे आप ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। आप चाहो तो अपने कैमरे के ऊपर भी इसे डिवाइस को माउंट कर सकते हो। माइंड मीडिया के इस बाउंडिंग राउटर के अंदर हमें बिल्ट इन बैटरी दी गई है, और आप चाहो इसे डायरेक्ट पावर से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो। यहां पर हमें 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एक पावर पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा ये डिवाइस खुद ही एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर देती है, तो वो भी आप इसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा केबल के थ्रू भी, जो लैन केबल होती है, उसके थ्रू भी आप इसे यहां से कनेक्ट कर सकते हो। वैन के पोर्ट के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, और वायरलेसली भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अब हम इस डिवाइस को चेक करके देखेंगे कि इसकी स्पीड कैसी आ रही है, कैसा ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पर जो 3 सिम कार्ड स्लॉट दी गई है, इसमें अपने 3 सिम कार्ड लगा देता हूं। इस तरह के जो एंटीना इसके साथ दिए गए, इन सबको हमें यहां पर आराम से इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। एंटीना को मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूं, सारे एंटीना इसी तरह से हम यहां पर लगा देंगे। तो दोस्तों अब ये बाउंडिंग राउटर पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो गया है, एंटीने इंस्टॉल हो चुके हैं, और मैंने इसके अंदर 3 सिम कार्ड लगा दिए हैं, और अपना जो लेन केबल है वो भी यहां पर वैन पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है, यानी जो हमारा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है वो भी मैंने केबल के थ्रू, वायर के थ्रू यहां पर कनेक्ट कर दिया है। अब आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो, यहां पर हमारे तीनों सिम ओके दिखाई दे रहे हैं, 4G के सिग्नल यहां पर आ रहे हैं, इसके अलावा वैन पोर्ट का सिग्नल यहां पर आ रहा है, बैटरी स्टेटस यहां पर आ रहा है, और सभी सिम का अलग अलग जो स्पीड है वो यहां पर शो हो रही है, और वैन पोर्ट की स्पीड भी यहां पर शो हो रही है। अपलोड और डाउनलोड दोनों स्पीड यहां पर शो हो रही है, और जो टोटल स्पीड हमें मिल रही है वो भी यहां पर ऊपर शो हो रही है, बैटरी स्टेटस यहां पर आ रहा है। तो अब अगर आपका नेटवर्क कहीं भी पुअर होगा, इन तीनों नेटवर्क को मिलाकर एक ये स्पीड आपको देगा इंटरनेट की। तो इस डिवाइस ने अपना एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5.8 गीगाहर्ट्ज़ दोनों को ही ये सपोर्ट करता है। अब आप अपनी कोई भी डिवाइस हो, उसे आप वाईफाई के थ्रू यहां पर कनेक्ट करके इसके इंटरनेट को यूज कर सकते हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी डिवाइस हो, उसे आप यूज कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, और
अगर आप चाहो डायरेक्ट अपनी लेन केबल से कनेक्ट करना तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर लेन के 3 पोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप लेन केबल के थ्रू अपनी किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी इंटरनेट बॉन्डिंग कैसे होगी। यहाँ पर हमने सिम कार्ड वगैरह सब कनेक्ट कर दिए, इसका जो वाईफाई नेटवर्क है वो भी क्रिएट हो गया, लेकिन उसको बॉन्ड करने के लिए आपको एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज है तो अपना अमेजोन का कोई भी सर्वर आप खुद क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जब इस डिवाइस को परचेज करोगे तो वहां पर जो इनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम है वो भी आपको सर्वर क्रिएट करके दे देगी। उसके जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो आप बात कर लेना, कॉन्टैक्ट डिटेल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन नंबर्स पर कॉल करके आप इस डिवाइस को परचेज भी कर सकते हो और वहां से आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना लैपटॉप ले लिया है, अब इस लैपटॉप पर मैं इसके वाईफाई को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर नीचे की साइड आप देख रहे हो यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, पहले से ही हमारा यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट हो रखा है। तो यहाँ से मैं इसे चेंज करूँगा, यहाँ पर कनेक्ट क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो भी हमारे नेटवर्क उपलब्ध होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो C3 5.8G, ये हमारा मॉडल नंबर आ रहा है हमारी डिवाइस का, जो हमारा राउटर है बॉन्डिंग राउटर उसका सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, उसका नाम यहाँ पर आ रहा है। तो इसे हम क्लिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्टिंग का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे, उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये डिवाइस हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। हमारी जो स्पीड है वो क्या आ रही है, तो गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा ये स्पीड टेस्ट प्रोग्राम यहाँ रन हो रहा है। अब आप देख पाओगे यहाँ पर जो हमारी स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है। तो यहाँ पर मैंने अमेजोन का सर्वर क्रिएट कर रखा है, आप देख सकते हैं अमेजोन का सर्वर हमने क्रिएट कर रखा है। तो ऐसा ही सर्वर आपको अपना यहाँ पर क्रिएट कर लेना है या फिर आपको अपना सर्वर बनवा लेना है। टोटल स्पीड यहां पर जो आ रही है बॉन्डिंग होने के बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड आ रही है 102.65 Mbps और अपलोड स्पीड आ रही है 102.72 Mbps। अगर मैं ये वैन वाला जो कनेक्शन है अपनी जो केबल वाला कनेक्शन है उसे अगर मैं हटा दूं, मैं केवल ये 3 अपने सिम कार्ड की अगर स्पीड में देखूं बॉन्डिंग होने के बाद तो वो क्या आएगी। तो इसके लिए मैं इस केबल को हटा दे रहा हूं। तो मैंने यहां से अपना जो वैन पोर्ट पर केबल लगा रखी थी वो मैंने यहां पर हटा दिया। आप देख सकते हो डिस्प्ले के ऊपर जो हमारा वैन पोर्ट था यहां से मैंने केबल डिस्कनेक्ट कर दिए। अब केबल हमारे जो 3 सिम यहां पर लगे हुए हैं वो 3 सिम की स्पीड ही आपको यहां पर मैं दिखाता हूं, फिर से स्पीड चेक करके दिखाता हूं अपने लैपटॉप के ऊपर। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो 3 नेटवर्क को बॉन्ड करने के बाद जो स्पीड हमें मिलती है वो एक्चुअल क्या स्पीड हमें यहां मिलने वाली है। और दोबारा से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हो अमेजोन और ये आ रहा है, ठीक है, गो पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो अमेजोन का सर्वर है उसका नाम यहां पर आ रहा है। अब आप देख सकते हो जो हमारे 3 सिम कार्ड थे, 3 सिम कार्ड की जो बॉन्डिंग के बाद जो स्पीड आ रही है वो आप खुद देख सकते हो, 73 Mbps की डाउनलोड स्पीड आ रही है और 83 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही है। और माइंड मीडिया का ये बॉन्डिंग सर्वर 5G सिम को सपोर्ट करता है, इसके अंदर तीनों 5G के सिम आप लगा सकते हो। यहाँ पर मेरा एक सिम 5G का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो पहला वाला सिम है ये 5G है और बाकी 2 सिम मेरे 4G वाले हैं। तो आप चाहो तो तीनों सिम आप 5G वाले इसके अंदर लगा सकते हो, पूरी तरह से 5G को सपोर्ट करता है ये राउटर। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, मैंने इसके अंदर अपने 3 सिम कार्ड लगा दिए, तो इस डिवाइस ने उन तीनों सिम कार्ड का जो डेटा है नेटवर्क है उसको एक साथ बॉन्ड करके एक अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड हमें यहाँ पर दे दी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, मान लो आपने इसके अंदर 3 सिम कार्ड लगा लिए तो ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस ही उनको बॉन्ड कर देगी, उसके नेटवर्क को बॉन्ड कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एक सर्वर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको अमेजोन का सर्वर बनाना आता है तो आप अपने आप भी अपना सर्वर बना के उसकी आईडी को इसके अंदर यूज करोगे, तब ये आपका जो बॉन्डिंग है उसी के बाद ये बॉन्डिंग संभव होगी। अगर आपको सर्वर क्रिएट करना नहीं आता है तो जब आप इस डिवाइस को परचेज करोगे तो वहां पर जो माइंड मीडिया के इंजीनियर्स हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, जो इनके नॉमिनल चार्जेस होंगे वो आपसे लेंगे, उसके बाद वो आपको एक सर्वर क्रिएट करके दे देंगे, उससे आप इसमें बॉन्डिंग की फैसिलिटी ले सकते हो। अगर बात करें इसकी कीमत की तो ये डिवाइस आपको इस समय लगभग 1,55,000 रुपीज में मिल जाएगी। 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। कहां से इस डिवाइस को परचेज करना है वो सारी डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।